सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरीद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फरीद ऑल आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में ऐसी सेटिंग है जो उसके बारे में बताने वाला हूं कि जो कोई भी दोस्त या कोई भी फ्रेंड्स जो होता है जो नए नए वीडियो डाल देते हैं या गलत गलत वीडियो डाल देते हैं तो डायरेक्टली गैलरी में शो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक पर बताने वाला हूँ। तो जो गंदे गंदे जो आता है फ़ोटो और गैलरी में शो होने लगता है, तो उसी सेटिंग को बारे में, बंद करने के सेटिंग को बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो को, ताकि मैं ऐसा ऐसा जब भी वीडियो डालूँ तो मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले व्हाट्सअप पर। तो व्हाट्सएप पर चलते हैं सबसे पहले, उस सेटिंग को बारे में जानते हैं और सारा सेटिंग बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपका जो बंदा है, आपको जो फ्रेंड्स है, वो गलत गलत वीडियो डालता है, आपको गैलरी में शो होने लगता है डायरेक्टली, जब भी डाटा खोलते हैं तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर गैलरी में शो होने लगता है, तो उसको बंद करना है फ्रेंड। तो कैसे बंद करेंगे, तो इसी सेटिंग को बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि एक मैं दिखाने वाला हूँ, एक जो मेरा बंदा है, जो मैं इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, इस नंबर से मेरा व्हाट्सअप से बहुत गलत गलत फ़ोटो आता है, तो इसको मैं बंद करना चाहता हूँ ताकि व्हाट्सअप पे ही दिखाई दे, गैलरी में शो ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और आपको दिख रहा होगा आई का बटन, एक इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपको नीचे में सबसे दिखाई दे रहा है मीडिया विलिविसिटी पर, तो इस पर क्लिक कर देंगे, मीडिया पर क्लिक कर देंगे। और जैसे मीडिया पर क्लिक करेंगे तो कुछ तीन ऑप्शन दिखेगा, यस नो, तो नो कर देंगे। और जैसे नो कर देंगे और नो करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, तो जब भी ये बंदा कोई फ़ोटो डालेगा तो ये व्हाट्सएप पे ही दिखाई देगा, ये आपको गैलरी में शो होने नहीं होने होने देगा। तो सबसे पहले ये तो बंद करना है, एक ऐसा सेटिंग है जो आपको बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। सो फ्रेंड्स, एक और ऐसे सेटिंग को मैं बताने वाला हूँ कि जो आप जो इसके आप मान लीजिए इसके इसके जो प्रोफाइल पर फ़ोटो कैसे लगाना है, जैसे कि मैंने फ़ोटो देख रहे हैं लगाए हूँ, तो इसी तरह आप भी कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले थ्री डॉट पर चले जाएंगे और थ्री डॉट पर जाने के बाद वॉलपेपर पर क्लिक कर देंगे और आपकी जो वॉलपेपर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं। या तो आप यहां से वॉलपेपर से अपने फ़ोटो भी लगा सकते हैं, गैलरी में पे जाकर गैलरी में जाकर यहां से फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जो भी फ़ोटो लगाना होगा इस पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। और फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहां से सेट कर देंगे, सेट कर देंगे, आप भी फ़ोटो कोई भी सेट कर सकते हैं। तो है ना एक मज़ेदार सेटिंग फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप भी सेटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सो फ्रेंड्स, एक और सेटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर कोई को नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो चैट लग रहा है ये हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर देंगे और फिर से वापस कैसे लाएंगे, इसी सेटिंग को मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको थ्री डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग ये अगर काम करेंगे तो आपका दोस्त सच में चौंक जाएंगे। तो आपको चैट वाला ऑप्शन दिख रहा है, चैट पर क्लिक कर देंगे और चैट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले चल जाना है चैट हिस्ट्री पर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको दो नंबर में लिखा होगा अर्चिव ऑल चैट, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो फिर से आकर देखेंगे तो यहाँ से आपका जो चैट है यहाँ पर जो जितना है आपको 20 लाइन दिख रहा था जो व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ से हट चुका है। तो इसी तरह से फिर भी आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं और फिर भी वापस भी ला सकते हैं। तो फिर मैं वापस लाता हूँ, तो फिर थ्री डॉट पर जाएंगे और सेटिंग पर चले जाएंगे। उसके बाद फिर से मैं चैट पर चले जाऊँगा और उसके बाद चैट हिस्ट्री पर, तो फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर से ओके कर देना है, उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा। तो है ना एक मज़ेदार सेटिंग, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी सेटिंग आप देख रहे हैं मेरा फिर से आ गया वहाँ से, इसी तरह से आप भी सेटिंग कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो ये सब सेटिंग आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो देखकर कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।